आप में तो हमेशा हूँ, बट जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं बेटा, मेरी कठोरता दूर भी नहीं होती है कभी, है? आज सीखेंगे कैसे जल की कठोरता दूर करते हैं, आइए। तो जो शुरू की इन्फॉर्मेशन है उनमें कोई भी जान नहीं है और हमारे काम की भी नहीं उतनी। इट इज़ अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। इट इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ क्या आपका, ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सर्फेस इज नॉट क्या आपका यूनिफॉर्म। इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे NCERT में चार्ट गिवन है तो मैंने डाल दिया है। ऑप्शंस में आपका 97 पॉइंट कितना, 33 भैया, है ना? सबसे ज़्यादा तो वही लेके बैठे हो, बाकी सब बेचारे छोटे से पोलर आइस और ग्लेशियर 2.04, बाकी परसेंटेज देख सकते हो कितना कम है, ठीक है? तो एक चार्ट दिया हुआ, बस जस्ट रफ आइडिया के लिए हमने ले लिया है इसको, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब MP, BP, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। इसमें भी हमें कोई मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट याद तो कुछ नहीं करना। इट इज़ अ कलरलेस एंड टेस्टलेस, ये तो पता है सभी को। ऐसा क्यों गंदा मुंह क्यों बना रहा बेटा, ऐसा गंदा मुंह क्यों बना रहे बेटा, है? अच्छा ये कलरलेस होता है? कलरलेस सुनते बोले नहीं, कलरलेस मेरे को तो कलर नजर आता है इसका, ठीक है? द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस फेज दैट इज लिक्विड एंड सॉलिड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर के आपका मॉलिक्यूल्स, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन बॉन्डिंग, है ना? दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपेरिजन टू किसके आपका, H2S एंड H2SE, ठीक है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स इवन कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिजोल्व इन के आपका वाटर, है ना? क्योंकि एल्कोहल में भी ROH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप होने की वजह से एल्कोहल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 एंड D2O। हर प्रॉपर्टी ज़्यादा है किसकी आपका, D2O, है ना? मोलर मास उसका 18-20, मेल्टिंग पॉइंट 0 और उसका थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 4 मान सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100, उसका 100 से ज़्यादा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी उसका ज़्यादा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी उसका ज़्यादा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का डाटा अवेलेबल नहीं, गिवन नहीं है। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी वाटर के लिए तो हम याद ही रखते हैं कितने पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, पता है ना? वाटर की मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? जबकि उसकी है कितनी आपका, 284.2। अब उसका टेम्परेचर हमें नहीं याद रखना, बस हमें ये जरूर याद रखना है कि हर फिजिकल प्रॉपर्टी D2O की ज़्यादा है, ठीक है ना? चाहे आप डेंसिटी की बात करो, देख लो वाटर की तो 1, उसकी 1.1, है ना? विस्कोसिटी तो हमें मतलब नहीं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट केवल कम है ना? इस वजह से डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम है, इसी वजह से हम सॉल्वेंट के तौर पर हमेशा किसको यूज़ करते हैं, H2O को, है ना? अगर वो ज़्यादा होता तो हम D2O को भी यूज़ कर सकते थे, बट मैंने आपको H2O2 में बोला था, अगर ध्यान हो तो, क्या कि H2O2 का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, वाटर से, बट उसे हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ क्यों नहीं करते, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली वो अनस्टेबल ही है ना, वो वापस टूट जाता है H2O+ इसमें O2। तो एक्सेप्ट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हमें कोई भी वैल्यू नहीं याद रखनी है, हमें ये बस इतना याद रखना है कि हर चीज़ D2O की ज़्यादा है किससे आपका, H2O से, ठीक है ना? ठीक है जी, चलो। और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्यों कम है वो आप समझ भी सकते हो भैया, पानी टूटता है H+ और किसमें आपका, OH-। D2O टूटेगा किसमें, D+, OD-। ज़्यादा अच्छा मजबूत बॉन्ड किसका होगा आपका, और डी का ही, क्योंकि डी इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ोगे, अभी चालू हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना? तो E0 ऑफ H2 / H+ IUPAC ने 0 माना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड IUPAC ने हाइड्रोजन को माना है, तो उसका 0 है और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसलिए हाइड्रोजन का आपका वैल्यू 0 नहीं होता है ना, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है? चलिए फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता ही है। इन गैस फेज वाटर इज द बैंड मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कितना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 104.5 डिग्री OH बॉन्ड लेंथ, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इन द लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज क्या, आइस, है ना? अब ये स्ट्रक्चर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 104.5 डिग्री प्लस माइनस, ठीक है ना? और ऑर्बिटल डायग्राम सभी शो कर दी है जो हमें पहले से बॉन्डिंग से पता है, ठीक है जी। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, पहला वाटर मॉलिक्यूल ऐसे डाइपोल, तभी वो H+ किस्मत टूटता है OH-, और तीसरा ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर इन वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना? और यहाँ पर sp3 में साथ में क्या पड़ा हुआ है आपका, लोन पेयर, और ये सर्कल दिखा रहा है किसके लिए, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपना केल कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है, S, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ आइस,
ठीक है ना, वहां पे तो मैंने बताई थी आपको, याद हो तो, कहां पर, बॉन्डिंग में, कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितना एच बॉन्ड बनाता है, चार, है ना। यहाँ पर भैया इस तरह की स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसलिए बस दे दिया है, ग्रीन मॉलिक्यूल्स ओ है और पिंक मॉलिक्यूल क्या है, एच। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ये हो गया एक मॉलिक्यूल ग्रीन आ गया, और दो क्या आ गया, सॉलिड लाइन दिख रही है आपको जो एच है। तो आप देख लो, पहला एच बॉन्ड, दूसरा एच बॉन्ड, ऑक्सीजन ने क्या करा, अपना लोन पेयर डोनेट करा, और इधर ये वाला एच भी जुड़ा हुआ है किससे, एच बॉन्ड, ये वाला भी एक डॉट दिख रहा है आपका, इससे जुड़ा हुआ है एच बॉन्ड, ठीक है ना। तो हर वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से कितने बॉन्ड बनाता है, चार चार एच बॉन्ड, इस वजह से वाटर की ओपन केज लाइक क्या होती है आपकी, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है जी। चलो तो ये हमें तो केवल इतना याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हमें पता है, हाइड्रोलिसिस हम कब से करवा चुके हैं, हाइड्रेशन वगैरह जो भी होती है ना। वाटर मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, वाटर नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, कोवालेंट कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है, और आयनिक कंपाउंड सब हम पढ़ चुके हैं ना, तो ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है। वाटर रिएक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, एम्फोटेरिक नेचर ऑब्वियसली, ये लोन पेयर दे भी सकता है, लोन पेयर ले भी सकता है, सही की गलत, ले नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब लुईस टर्म में बात करोगे, आयनिक तो हो चुका है, लुईस टर्म में ये केवल लुईस बेस है, एसिड नहीं है, ठीक है ना। ब्रॉन्स्टेंट लॉरी थ्योरी के टर्म में ये दोनों है, क्योंकि ये ब्रॉन्स्टेंट लॉरी मतलब जो एच प्लस दे तो ये दे सकता है, और जो एच प्लस ले तो लेने के लिए लोन पेयर है। और आरिनियस के टर्म्स में बात करोगे तो भी ये एसिड भी है और बेस भी है, क्योंकि आरिनियस एसिड मतलब जो एच प्लस दे, और आरिनियस बेस मतलब जो ओ एच माइनस दे, है ना। तो एम्फोटेरिक नेचर वही बोल रहा है, इट हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, दैट इज इट बिहेव एज एन, किसकी तरह, आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। इट इज इन द ब्रॉन्स्टेंट सेंस, इट एक्ट एज एन एसिड विद एन H3 एंड अ बेस विद, किसके साथ, आपका H2H, है ना। तो ये देख लीजिए, ये आपने आयनिक में करी ली होंगी रिएक्शन, NH3 को H प्लस दे रहा है और H2S से उल्टा H प्लस ले रहा है ना। ऑटो प्रोटोलिसिस, सेल्फ आयनेशन, वो भी आप पढ़ चुके हो, जिसे आप KW बुलाते हो, तो H2O टूट जाता है, H3O प्लस प्लस किसमें, आपका OH माइनस, ठीक है ना, एसिड बेस दोनों रिएक्शन है, ये भी पढ़ा हुआ। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, किनके साथ रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है, वाटर मेटल के साथ भी और नॉन मेटल, Na को पानी में डाला क्या बनेगा, NaOH, ठीक है ना। जब भी एलिमेंट कंपाउंड में जाता है, मैंने बार बार बोला है, ऐसी रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन है ना। तो मेटल के साथ भी और नॉन मेटल, Cl2 को पानी में डाला, HCl और HOCl, याद आ रहा, ठीक है ना। तो वही है, वाटर कैन इजीली बी रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, है ना, ठीक है। Na को पानी में डाला, NaOH H2, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 डूरिंग क्या, आपका फोटोसिंथेसिस, है ना। 6H2O प्लस 12H2O, ठीक है ना, ग्लूकोज बना प्लस H2O प्लस साथ में क्या, आपका O2 विथ फ्लोरीन, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू किसमें, O2। ऑलरेडी पी ब्लॉक में हम पढ़ चुके हैं कि F2H2O को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, O2 में, है ना। अभी इसमें कोई नई रिएक्शन नहीं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑलरेडी सभी का हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, आयनिक कंपाउंड हो कोवालेंट कंपाउंड हो सभी का हाइड्रोलिसिस करवाता है। यहाँ पर दो चार रिएक्शन हो सकता है गिवन हो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, हाउएवर सर्टेन कोवालेंट एंड सम आयनिक कंपाउंड आर हाइड्रोलाइज्ड इन किसके अंदर, वाटर, है ना। पहले ऊपर है बच्चों, स्ट्रॉन्ग कौन सी टेंडेंसी, है ना, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन अलग चीज होते हैं और हाइड्रोलिसिस अलग, दोनों में क्या अंतर है। है ना, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल केवल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना, सॉल्वेंट की तरह चारों तरफ से उस सब्सटेंस को क्या कर लेता है, घेर लेता है। जबकि हाइड्रोलिसिस में वाटर सॉल्वेंट भी है और रिएक्टेंट भी है, सॉल्वेंट भी है और रिएक्टेंट भी है, रिएक्ट भी करता है, ठीक है ना। हाइड्रेशन में कोई आप नया कंपाउंड ही बनाते हो, CuSO4 का हाइड्रेशन कराया, तो आपको CuSO4 डॉट क्या लिख देना है, 5H2। Na+ गैस का हाइड्रेशन कराया तो Na+ एक्वस लिख देना है, मतलब उस पर्टिकुलर जो पहले उसका फिजिकल स्टेट अलग था, उसको पानी ने बस चारों तरफ से घेर लिया है। हाइड्रोलिसिस में तो क्या होता है भैया, वाटर रिएक्टेंट भी है, इसलिए कंपाउंड ही क्या हो जाते हैं आपके, चेन। PCl5 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाँ, पार्शियल कराओगे तो पहले POCl3 और 2 mol of HCl, और फिर आगे कराओगे POCl3 का, फिर से कराओगे तो तीनों Cl हटकर उसकी जगह OH आ जाएंगे, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपका H3PO4, है ना। तो इसमें मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें देखो कंपाउंड्स क्या हो गए आपके, चेंज हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहा है भैया, रिएक्ट भी कर रहा है ना। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइट का हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या होगा, Mg3N2,
MgOH2 और NH3। तो इसमें कंपाउंड क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो Mg3N2 का हाइड्रोलिसिस कराएगा, ये हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे। आ रही बात सभी को समझ में? NaCl को पानी में डाला तो बोलेंगे हाइड्रेशन हुआ है, क्योंकि तब कंपाउंड कोई नया नहीं बना है। NaCl सॉलिड से बस किस में चले गया, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, तो दैट इज ओनली प्योर हाइड्रेशन। तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस ये बता रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक ना। और हाइड्रोलिसिस सभी का हो सकता है, सभी का, एसिडिक ऑक्साइड हो, बेसिक ऑक्साइड हो, आयनिक कंपाउंड हो, कोवालेंट कंपाउंड हो, इवन ऑक्सी एसिड का भी क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक ना। तो P4O10 पानी में डाला, SiCl4 को पानी में डाला, सब हम पहले से कई बार कर चुके हैं। N-3 का हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। चलो हाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक ना, ये फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन मेनी सॉल्ट्स में भी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेट सॉल्ट, सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप विच कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो इस तरह का पानी कहलाएगा, कौन सा वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर, है ना। इंटरस्टिशियल वाटर मतलब जो बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में घिस जाता है ना, उसे इंटरस्टिशियल वाटर बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर जिसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है, ठीक है ना। CuSO4 में मैंने बोला भी था, जेई का क्वेश्चन है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आपका काम करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तो ब्लू विट्रियॉल का आप फॉर्मूला भले CuSO4. क्या लिखते हो, 5H2O, बट इसमें चार ही वाटर मॉलिक्यूल है जो कोऑर्डिनेटेड है, पांचवा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। पांचवा वाटर मॉलिक्यूल किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, इज इट क्लियर। चलो फिर हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक देखो कोई भी चीज जो मैंने बोली थी उसमें हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सुना मैं पहले भी चुका हूँ भैया, ऐसा पानी जो सफिशियंट फोम प्रोड्यूस करेगा विथ वाटर वो सॉफ्ट है, और जो नहीं करेगा वो हार्ड। हार्डनेस का रीजन कैल्शियम और मैग्नीशियम के तीन सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कार्बोनेट नहीं होता है, कार्बोनेट क्यों बोल रहे हो, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, कार्बोनेट नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। और क्या क्यों ऐसा होता है भैया, सोप्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सोडियम स्टाइरेट। जो भी आप सोप देखोगे, जो रैपर आप उठा के फेंक देते हो, अगर उसका इंग्रेडिएंट पढ़ोगे तो सोडियम स्टाइरेट उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, C17H35C00-Na+, इसको बोलते हैं सोडियम स्टाइरेट, ठीक है ना। अगर पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा तो हमें पता है भैया एल्कली मेटल के सभी कंपाउंड्स वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल, ठीक है ना, इसलिए ये सॉल्युबल होकर झाग बनाता है। बट एल्कलाइन अर्थ मेटल के तो नॉर्मली वाटर में कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम आ चुका उस पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा, इन स्टाइरेट आयन के साथ अपना क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, और झाग बनाने का काम वो स्टाइरेट आयन ही क्या कर रहा था। तो स्टाइरेट आयन अब एक्चुअली बचा ही नहीं, वो तो प्रेसिपिटेट बना के क्या हो गया आपका, नीचे बैठ गया। तो इस वजह से आपको झाग नहीं मिल पाता है, ठीक ना। और हार्डनेस हमारे लिए हैजार्डस होती है, तो हमारा काम होता है हार्डनेस को क्या करना, दूर करना, ठीक ना। तो वही सब हम सुना चुका हूँ। वाटर इज सेट टू बी सॉफ्ट वाटर इफ इट इज प्रोड्यूस सफिशियंट लेदर विद किसके साथ, आपका सोप, एंड वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग हार्ड इफ इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल स्कम बिफोर इट फॉर्म्स ए लेदर विद क्या, आपका सोप। द हार्डनेस ऑफ नेचुरल वाटर इज जनरली कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट, सल्फेट, है ना, क्लोराइड भी आगे लेगा लिखेगा या नहीं लिखा हुआ है, ऑफ किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है जी। ठीक, चलो, तो ये रहा आपका सोडियम स्टाइरेट C17H35C00-, उसने के लिए स्टाइरेट आयन बोला है। कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, दोनों इसके साथ क्या बना देते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए झाग आपको नहीं मिल रही है। हार्डनेस ऑफ वाटर अब दो तरह की होती है, टेम्प्ररी और परमानेंट। टेम्प्ररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट, है ना, सीधे क्वेश्चन यही आएंगे स्टिक करने वाले। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट, ठीक है जी। चलो, तो टेम्प्ररी है, परमानेंट है। टेम्प्ररी हार्डनेस इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड क्या आपका, मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब इसको दूर करने के तरीके, टेम्प्ररी हार्डनेस इज वाटर इजीली रिमूव्ड बाय क्या आपका, बॉइलिंग, है ना। मैं हीटिंग इफेक्ट आपको लिखा चुका था, एक TBR में कार्बोनेट और किसका, बाइकार्बोनेट, ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट H2O एंड CO2, ठीक है ना। अब हमें बताएं बाइकार्बोनेट तो सभी के क्या होते हैं, सॉल्युबल। कार्बोनेट केवल और केवल एल्कली मेटल और अमोनियम के सॉल्युबल होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के नहीं होते हैं। तो जैसे आपने इसको गर्म करा, CaCO3 इनसॉल्युबल है, मतलब इनसॉल्युबल है, इस पानी में हार्डनेस होगी, उबालते ही ये CaCO3 क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में
नीचे बैठ जाएगा और उसे छान कर मैं क्या कर लूँगा बच्चों, अलग कर लूँगा, हार्डनेस दूर हो जाएगी ना, चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे मैग्नीशियम का हो, गर्म करने पर ही दूर हो जाएंगे, ठीक है जी। टेम्परेरी हार्डनेस का ऑल्सो भी रिमूव बाय क्लार्क्स प्रोसेस इन विच है ना विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ स्लैग लाइक। तो होता कुछ भी नहीं बेटा, रिएक्शन वाइज कुछ भी नहीं है। देखो आपके इसमें नीचे गिवन होगी, अब मुझे जगह नहीं पता है कितनी है, जगह ही नहीं है, चलो तो करना नहीं है बस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करा दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सी ए दो हो गए और सी ओ थ्री भी कितने हैं, दो, दो मोल सी ए सी ओ थ्री के बन गए और दो मोल किसके, पानी। अगर मैं स्लैग्ड लाइम की जगह क्विक लाइम यूज करता सी ए ओ, तो क्या डिफरेंस हो जाता, तब पानी के दो मोल ना मिलके एक मोल मिलता, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली एक पानी और है, तो इसलिए पानी दो मिले, यहाँ पानी नहीं था इसलिए पानी एक मिलेगा। अगर मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट यूज़ करता, तो अभी दोनों मोल सी ए सी ओ थ्री के मिले हैं, अगर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता एक मोल एम जी सी ओ थ्री एक मोल सी ओ सी ओ, तो रिएक्शन वाइज हार्डनेस में कुछ भी नहीं होता है, वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन आर देयर, बस अंडरस्टैंड कर लेना है, रटना नहीं है, ठीक ना। इट इज़ एसेंशियल टू एड ओनली द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज एक्सेस विल कॉज कौन सी हार्डनेस, आर्टिफिशियल है ना, नेचुरल तो थी सही भैया, अगर एक्सेस में डाल दिया तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड भी पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी। आप बोलोगे सर है ना इतना ही इम्पोर्टेंट था तो हमको डेली याद करवाते ना, हमने तो बस एक टीबीआर में मजाक में समझ लिया था सॉल्युबिलिटी को, ऐसा मनी मन में प्रगाढ़ होंगे आपके है ना, नहीं भी होंगे तो मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोक्साइड के केस में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या थी, ऑल आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट NH4+ फर्स्ट है और BSC, और BSA में भी कैल्शियम का स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, इसका मैं लिंक भी करवा सकता हूँ। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट लिखाई गई हो तो कौन से लिखाए थे, KOH NaOH, बस दो नहीं बेटा आगे भी सब बताने, MG कहाँ से लिखा दिया होगा, अच्छा मैं चेक कर रहा था तेरे को पता है कि नहीं पता है, NaOH KOH तूने हाँ बोला तो मैंने कहा चलो MG का भी तुक्का मारते हैं। तो बेटा कुछ कहीं से लिंक करा करो, नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे, केमिस्ट्री अथाह है, लिंक करने से छुट्टी हो जाती थी ना, वहाँ पर MG लिखा ही नहीं सकते सर, ज़्यादा ज़्यादा बेरियम लिखाया होगा या स्ट्रॉन्शियम लिखाया होगा है ना, हमको कुछ नहीं लिखाते सर। तो ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस केवल एल्कली मेटल में चार हैं, NaOH KOH RBOH और CSOH, स्ट्रॉन्ग एसिड तो लिखाए होंगे HCl, तीन तो बेटा हाइड्रा एसिड है, HCl HBr HI तीनों ही स्ट्रांग है, HF नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है उसमें, ठीक है ना, और तीन ऑक्सी एसिड है जो स्ट्रांग है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, तीन टोटल छः वेरी स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में काउंट होते हैं आयनिक में, ठीक है ना। और अगर आप बोल रहे हो नहीं लिखाया था स्ट्रांग एसिड, बोल रहे हो लिखाया था है, अच्छा वो भी नहीं लिखा, अच्छा बताए थे, ठीक है चलो। तो अब बात करते हैं बच्चों कौन सी हार्डनेस की, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। परमानेंट हार्डनेस इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, इट कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड। पहला काम है बच्चों आपको केवल चारों मेथड के नाम मैं बता चुका हूँ पहले भी, कौन सी बोला भी था एक बार पढ़े, अब तक तो दो बार पढ़ चुके हो गए। सबसे पहली वॉशिंग सोडा से चालू कर दो ना बेटा, वॉशिंग सोडा कैलगॉन परम्यूटेट है ना और आयन एक्सचेंज, बस आपसे ये नाम ही पूछे आएंगे, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ रिएक्शंस में कोई भी जान नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, बस अल्टीमेटली मैकेनिज्म इतना है कि जहाँ जहाँ पर सोडियम दिखे वहाँ वहाँ पर मैग्नीशियम या कैल्शियम आ जाए, क्योंकि सोडियम के सभी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है और मैग्नीशियम और कैल्शियम के नॉर्मली इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होंगे तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, सॉल्युबल होगा तो आपको नजर आने वाला नहीं है। तो अब जैसे वॉशिंग सोडा मेथड है, तो वॉशिंग सोडा मेथड बोलने को हम डिस्कस परमानेंट में कर रहे हैं, बट इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस है ना। अब मुझे नहीं पता इस पेज पर रिएक्शन दिए क्या नहीं, तो अब जैसे भैया रिएक्शन में बार बार कह रहा हूँ कोई जान ही नहीं, अब CaCl2 की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करो, और इसीलिए मैं बार बार भैया बोल ही चुका हूँ आपको कि 11वीं के बच्चों को तो बस ये बोल दिया जाता कि आयन का क्या करा दो एक्सचेंज, इसको इससे जोड़ो इसको इससे, बट आप 12th में आ चुके हो आपको JEE डायरेक्ट देना है,
आपको बता चुके हैं कि इन सभी रिएक्शंस का लॉजिक होता है प्रेस प्रोडक्ट साइड, है ना, हमें सॉल्युबिलिटी रूल से चेक करना होता है, ये भी सॉल्युबल है ये भी सॉल्युबल। तो जब भी दो सॉल्युबल कंपाउंड को मिलाए जाएंगे तो प्रोडक्ट साइड में एक पक्का इनसॉल्युबल, बस वही इन सभी रिएक्शंस की जान है कि प्रोडक्ट साइड इनसॉल्युबल बने ताकि मैग्नीशियम और कैल्शियम पानी में न रहकर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाए और उन्हें छानकर हम क्या करें अलग। अब मान लो यहाँ पर CaSO4 होता तो क्या होता, जान आफत में आ जाती रिएक्शन लिखने में। अगर मान लो CaSO4 होता और उसकी रिएक्शन वॉशिंग सोडा से करते तो जान आफत में आ जाती रिएक्शन लिखने में। मेरे को तो लगा मजाक में बोल रहा हूँ, हंसोगे, बाकी रिएक्शन से तो ये लग रहा कि हाँ सर जान तो आफत में आ गई। क्या है और तो जान तो आफत में लगी ना, सब पता नहीं क्या सोचने बैठ गया, कौन सी दुनिया में खो गए। अगर मैं उसकी जगह बाइकार्बोनेट भी कर देता कैल्शियम का तो भी क्या होता, वही होता, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट में उल्टे एक चीज़ और अच्छी हो जाती कि सोडियम का बाइकार्बोनेट भी वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। प्रोडक्ट साइड दोनों इनसॉल्युबल बने, अच्छी बात है। हमारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स और रिएक्शन का बढ़ गया, दो के लैटिस बन रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो इसलिए बोलने को भले हम वॉशिंग सोडा मेथड टेम्प्ररी हार्डनेस के लिए बोलते हैं, सॉरी परमानेंट के लिए बोलते हैं, बट इससे आप टेम्प्ररी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चाहे तो बना सकता है ना। कैसे, मैं एक आधा बता दे रहा हूँ आगे। तो वॉशिंग सोडा मेथड रिमूव्स बोथ परमानेंट एंड टेम्प्ररी हार्डनेस बाय कन्वर्टिंग सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कंपाउंड, सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट सब सॉल्युबिलिटी, इसलिए मैंने आपको लिखाई थी सॉल्युबल थे, बाकी उसका कार्बोनेट क्या होता है आपका इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल बन गया, ठीक है ना, इनसॉल्युबल बन गया, हमारा काम हो गया, इसलिए हम इसको भी ले सकते हैं। बाई ऑल बाई कार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल, बाई कार्बोनेट में केवल एक ही है जो इनसॉल्युबल है, कौन सा, NaSCO3। शायद कम से कम 50 बार ये स्टेटमेंट में क्लास में आपको मार चुका हूँ, ठीक है ना, मतलब ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं मारा है, बोल के मतलब मारा है दिमाग पर, ठीक है ना, ठीक है जी। चलो अब दूसरी मेथड है बच्चों, इन प्लेस ऑफ सोडियम कॉस्टिक सोडा और सोडियम फॉस्फेट के नल्सो भी यूज़। क्यों 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 भैया, बार बार मैं कह रहा हूँ, सोडियम के तो सभी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है एक्सेप्ट NaSCO3, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लगभग सभी कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल है। तो अगर कार्बोनेट था तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना, अगर कॉस्टिक सोडा होता, कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता, अभी मैंने बोला वो भी वाटर में इनसॉल्युबल। अगर फॉस्फेट होते तो काऊ ऑक्सेयर पर याद हो, काऊ मतलब कार्बोनेट, ऑक्स मतलब ऑक्सलेट, सेयर मतलब सल्फाइड और पर मतलब फॉस्फेट, फॉस्फेट भी सभी के वाटर में क्या थे इनसॉल्युबल, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो वो कोई नया कंपाउंड भी चौथा लिख के दे दे एग्जाम में जेई मेंस में, तो आपको तो ये देखना है कि वो जो नया कंपाउंड लिखा है उनके एनायन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल। अगर इनसॉल्युबल हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और सॉल्युबल हो गए तो यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है जी।